आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जनता में मची हुई हाहाकार, इसी में रसोई गैस की दोहरी मार, इससे जनता को हो रही बुरी तरह से लचा। लेकिन सरकार की नीति इस दिशा में काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। साल 2014 के पहले अगर चला जाए तो मौजूदा भाजपा सरकार उस वक्त विपक्ष में हुआ करती थी और रसोई गैस से लेकर महंगाई तक पर खूब हमलावर रहती थी। इसी के साथ अपने घोषणा पत्र में महंगाई से जुड़े कई मुद्दों पर तमाम बातें कही गई। लेकिन आज 7 साल से ज्यादा की सरकार भाजपा की हो गई है, लेकिन अभी भी महंगाई पर कोई विशेष रोकथाम नहीं हुई है। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और सरकार शांत बैठी है। वही इस विषय पर आज की हमारी चर्चा है, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी यह रिपोर्ट। अगर बात कांग्रेस सरकार की जाए तो कांग्रेस सरकार में 12 सिलेंडर सब्सिडी वाले हुआ करते थे, जिनके दाम 420 से लेकर 440 रुपए तक हुआ करते थे। उसके ऊपर के जो सिलेंडर थे वो 900 रुपए के लगभग आसपास मिलते थे। उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी, सड़कों पर खूब हंगामा हुआ महंगाई को लेकर। और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई गैस 1000 के पार है। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 2 बार बढ़ चुके हैं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। 1 जुलाई 2021 से अब तक घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 165 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले 7 वर्षों में दोगुनी से अधिक हुई है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410.05 रुपए थी। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए और महंगा हुआ है। घर की रसोई का जो खाना है वो महंगा हुआ है। रसोई में सिलेंडर बेहद अहम है और लगातार जिस तरह से एलपीजी का दाम बढ़ता जा रहा है, लोगों पर महंगाई की दोगुनी मार पड़ रही है। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, सरकारें शांत बैठी हैं। विपक्षी पार्टियां महंगाई को लेकर हमलावर हैं। लगातार विपक्ष महंगाई पर निशाना साध रही है। एलपीजी गैस की बात की जाए तो एलपीजी गैस के तो दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ और जो खाने पीने की चीजें हैं, तमाम चीजों की महंगाई बढ़ती जा रही है। जो तेल है, एडिबल ऑयल है, उसकी भी दाम लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट कर महंगाई पर निशाना भी साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई और बढ़ते गैस के दामों पर आज की हमारी चर्चा, और उस चर्चा में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। शमसी आजाद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, मयंक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रीतपाल सिंह आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर सक्सेना आरएलडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। मयंक,
जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, अगर बात कांग्रेस सरकार की जाए तो कांग्रेस सरकार में 12 सिलेंडर सब्सिडी पे मिलती थी, जिनके दाम 420 रुपए से लेकर 440 रुपए हुआ करते थे। वहीं अगर बात की जाए उसके ऊपर के जो सिलेंडर मिलते थे वो 900 रुपए के मिला करते थे। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और रोड पर महंगाई को लेकर खूब हंगामा हुआ। लेकिन जिस तरह से सिलेंडर 1000 के पार होता जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? बात सिलेंडर की जाए तो अपने यहाँ तो देश लखनऊ में 1000 सिलेंडर हो गया है। अभी आज भी हमने एक सिलेंडर बुक किया है, उसकी अभी रेट लिस्ट नहीं आई है कितने का पड़ेगा, लेकिन जो पिछला सिलेंडर हमने बुक किया था उसके हमने अपने हाथों से 989 रुपए पे किए थे। अब 50 रुपए बढ़े, बाकी शमसी आजाद साहब इसको काउंट कर ले बाकी देते। अगर बात सब्सिडी की आती है तो सब्सिडी तो अब रही नहीं, 35 रुपए डीबीटी के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब सब्सिडी सबसे बड़ा ये खेल जो 50 रुपए बढ़ रहे, पिछले 22 मार्च को भी बढ़े और आज भी बढ़े, कल भी बढ़े सॉरी, लेकिन सबसे बड़ा खेल ये 50 रुपए बढ़ने का नहीं है। इससे भी बड़ा खेल बैकग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सब्सिडी को लगभग खत्म कर दिया है। जो थोड़ी बहुत बची भी है वो 2024 चुनाव में खत्म हो जाएगी जी। भाई सब्सिडी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई थी। मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पेट्रोल डीजल केरोसिन और एलपीजी पर सब्सिडी शुरू हुई थी जी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 4,100 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए रखे थे। जब उनकी सरकार गई, मनमोहन जी की सरकार आई, तब यह सब्सिडी बढ़कर 9,274 करोड़ हो गई थी। फिर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने इसको बढ़ाकर 2,146 करोड़ कर दिया। ऐसे ही बढ़ती गई, लेकिन फिर अचानक से 2014 में प्रकट होते हैं माननीय मोदी जी। फिर मोदी जी ने सब्सिडी को खत्म करना शुरू किया। वो ऐसा खत्म किया है कि आज जो सब्सिडी सिर्फ केरोसिन पर बची है, पेट्रोल पर तो 2011-12 के कार्यकाल में ही, क्योंकि उसको मेन मार्केट में ला दिया गया था, अब सिर्फ केरोसिन पर सब्सिडी बची है और एलपीजी पर भी 2016 में मोदी जी ने खत्म कर दी। तो अब 2024 बचा है, वहां भी खत्म हो जाएगी। जो सिलेंडर आप आज 1000 का ले रहे हैं, और ये अद्भुत विकास होता जाएगा, ये अद्भुत विकास अभी बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसमें बढ़ोतरी जब होगी 2024 आते आते ये सिलेंडर आपको 1300-1400 का पड़ने लगेगा। और फिर हम लोग कहेंगे ओ माय गॉड, बस इसके सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये लोग देश चलाने नहीं आए, ये लोग एक पार्टी चलाने आए हैं और व्यापार करने आए हैं। इनके व्यापार का मुख्य कारण है सब्सिडी को। महंगाई की मार आम जनता पे पड़ रही है, एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है। लगातार जनता अभी कोरोना से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। बात अगर रोजगार की करें तो रोजगार भी एक अहम मुद्दा है, जो देश के युवा है, प्रदेश के युवा है, वो रोजगार के लिए लगातार धरने दे रहे हैं। इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती गई रोजगार, तो इसकी रोजगार मांग तो आज जी मैं अभी बात इनके जो सिलेंडर पर हो रही है, सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर हो रही है। उज्ज्वला योजना एक उज्ज्वला योजना आई थी जी। जी ये रोजगार तो देखिए खत्म हो रहा है, वो उसमें कुछ बचा नहीं है जी। वो जो आंकड़े आए हुए हैं 2.89, वो सिर्फ दिखावा है, छलावा है, ठीक है, उसके सिवाय वो और कुछ नहीं है। उज्ज्वला योजना भी उसका भी जिक्र होना बड़ा जरूरी है। मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, हम करेंगे हमारे साथ, अपने आप में ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं उसमें मैं बस एक एक शब्द बोलना चाहूंगा, जब ये शुरू हुई तो 50% लोगों तक उज्ज्वला योजना पहुंची जी। उसके नेक्स्ट ईयर 25% लोगों तक पहुंच पाई, उसके नेक्स्ट ईयर जीरो हो गई। फिर चुनाव आया, वादे हुए कि सबके घर उज्ज्वला जाएगी। उज्ज्वला योजना तो गई, लेकिन उज्ज्वला योजना जाने का जो तरीका था, पहले सिलेंडर के रूप में जाती थी, गैस के रूप में जाती थी, अब वो उज्ज्वला योजना लकड़ी कंडे के माध्यम से जा रही है जी। बदलाव तो है, हम लोग विश्वगुरु तो बनने वाले हैं जी। बस सिर्फ इतना ही कहेंगे ओ माय गॉड बस। बिल्कुल मैंग जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आपसे प्रीतपाल सलूजा जी जुड़े। प्रीतपाल जी, जिस
तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर बात महंगाई की बात की जाती है तो यूक्रेन, रसिया, श्रीलंका की बातें की जाती है, किस तरह से आप देखते हैं इसको अंकुर जी, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जिस तरह से अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई की बात करते ही यूक्रेन, रशिया, श्रीलंका का नाम ले लिया जाता है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए कृष्णा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों को आज आंग्ल मातृवर्ष मातृ दिवस मनाया जाता है तो आंग्ल मातृ दिवस की मैं शुभकामना देता हूँ। यद्यपि हम लोग हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं तो हम लोगों के लिए प्रतिदिन माता पिता का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हमारे लिए तो प्रतिदिन मातृ दिवस होता है, लेकिन फिर भी पुनश्चा एक दिवस को अगर सेलिब्रेट किया जा रहा है और माता पिता का विशेष सम्मान किया जा सकता है तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जहां तक सवाल है महंगाई का तो और सिलेंडर के बढ़ते हुए रेट का, तो आप स्वयं देखिए सिलेंडर के बढ़ते हुए रेट जो है, आज मातृ दिवस है, अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये गुजारिश और बहुत उम्मीद कर रहा था, हो सकता है मातृ दिवस पे वो माता और बहनों को कहीं ना कहीं महंगाई से राहत देने वाली कोई घोषणा करते, लेकिन उन्होंने मातृ दिवस की पूर्व संध्या से पहले 50 रुपए की ही घोषणा कर दी। आम जनमानस के ऊपर जो है वो जो 50 रुपए सिलेंडर पर रेट बढ़ाए हैं, वो रेट मात्र 50 रुपए नहीं बढ़े हैं, वो इकोनॉमी को जो रिसाइकिल करने वाला पहिया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप कह लीजिए एक ब्रेक लगा दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ घर परिवार में कोई महंगाई का असर होता है तो किचन से होकर वो आम आदमी की पॉकेट पे पड़ता है और आम आदमी अपने खाने पीने के संसाधनों में कटौती करता है, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश में या अपने परिवार के दैनिक कार्यों और दैनिक आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं अपने पेट में कटौती करता है जी। एक से बात आपके चैनल के माध्यम से और उठाना चाहता हूँ, अभी मयंक भाई ने उज्ज्वला योजना को लेकर कहा, उज्ज्वला योजना वास्तव में कुछ थी ही नहीं, वास्तविकता ये है उज्ज्वला योजना कोई योजना ही नहीं है, उज्ज्वला योजना तो टोपी पहनाने का एक माध्यम था। उज्ज्वला योजना में जो गैस दी गई उस गैस को सब्सिडी रहित करके दिया गया था और वो जस्ट लाइक लोन था। जब तक उज्ज्वला योजना में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो पूरा नहीं हो जाता जब तब तक उन लोगों को जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए गए थे सब्सिडी का फायदा ही नहीं मिलना था। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि क्रेडिट के तौर पे उनको गैस कनेक्शन दिया गया था और उन बिचारों से तो जो हम लोगों को शुरुआत में 100, 200, 50 रुपए, 25 रुपए सब्सिडी प्राप्त हो रही थी, उज्ज्वला योजना जिन लोगों ने ली उनको तो कभी सब्सिडी नाम की चिड़िया के दर्शन भी नहीं हुए। तीसरी बात, जो सिलेंडर है, पेट्रोल पदार्थ है या किसी भी तरीके की महंगाई की आप बात कर लीजिए, तो वर्तमान ये मैं इसको विपक्ष का मुद्दा नहीं मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि विपक्ष के लिए तो अगर विपक्ष ने इस पे कोई बात की तो भारतीय जनता पार्टी कहेगा कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। ये मुद्दा है आम जनमानस का, ये मुद्दा है आम जनभावना का और ये मुद्दा है 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी वर्सेस 2022 की भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो काडर के लोग हुआ करते थे, मैं पुनः कहूंगा थे, क्योंकि अब उनमें वो आत्मा नहीं रह गई है जो जिस आत्मा या जिस शक्ति के साथ वो गलत को गलत और सही को सही कह सकते थे। क्योंकि उस समय जो लोग चूड़ियां तोड़ा करते थे, प्याज की मालाएं पहन के बैठा करते थे, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया करते थे, वो उस समय करते थे, आज वो बट वृक्ष हो चुके हैं, बरगद का वृक्ष हो चुके हैं, परंतु उनकी क्षमता ये नहीं रह गई है कि वो अपने लोगों को छांव दे सके, उनकी छांव देने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूं कि शमसी भाई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, ये जो 50 रुपए बढ़े हैं क्या शमसी भाई के घर के चूल्हे में इसका बोझ नहीं पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्पेशल कार्ड या स्पेशल कूपन जी मैं आप लोगों को बता दूं दिया गया कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो आपके ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा बढ़ती हुई महंगाई का। हम समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हैं तो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, या आप एक एंकर हैं तो आपके ऊपर बोझ पड़ेगा। महंगाई का जो असर है वो बराबर सब पर पड़ेगा, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली है हर किसी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। देश बंधु दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और आज की चर्चा, देश बंधु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की चर्चा में। धन्यवाद, मैं स्काइप ऑन कर रहा हूँ थोड़ा सा जी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी देर में देश बंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ेंगे। देश बंधु दीक्षित जी, मैं आपसे सीधा जुड़ना चाहूंगी।
जिस तरह से महंगाई की मार बढ़ रही है और महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, एक अहम मुद्दा है, एक अहम चर्चा का मुद्दा है देशबंधु जी। मैं बस एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार में 12 सिलेंडर सब्सिडी पे मिलती थी, 420 रुपए से 440 रुपए में मिलती थी, उसके बाद जो सिलेंडर मिलती थी वो 900 रुपए में मिलती थी। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, रोड पे खूब हंगामे किए गए, आज आपकी पार्टी सत्ता में है, क्या ज्ञान देंगे आप देशबंधु जी? नहीं, मैं ज्ञान नहीं दूंगा निसंकोच, आपकी बात से को संबद्ध करते हुए जी, कि महंगाई हजार के पार हो गई है, हो गया सिलेंडर का दाम। हाँ हाँ, आज ही हजार के पार हुआ सिलेंडर। मैं संबद्ध करते हुए बस इतना जोड़ना चाहूंगा, देखिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा, क्योंकि जो महंगाई की मार है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस पर बात विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। सीधा आपने प्रश्न पूछा है तो सीधे प्रश्न के उत्तर में मैं परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ के नेतृत्व में पूरी टीम इस महंगाई की मार के लिए और इसके समाधान के लिए लगी हुई है, और आने वाले तत्काल कुछ सप्ताह बाद देखिएगा कि इसमें कमी जरूर आएगी। निसंदेह ये चुनौती है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रयत्नशील है। बहुत सारे चुनौतियां आई इससे पहले, कोविड काल में भी आपने देखा तो हमारी डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में लगी हुई है, और जल्द ही आने वाले कुछ सप्ताह में आप देखेंगे इस चुनौती को भी समाप्त करेंगे और जनता के हित में जो भी उपाय हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र सरकार करेगी और इस महंगाई से जनता को निजात दिलाने का प्रयास जो जारी है वो जरूर पूरा होगा। जी बिल्कुल देशबंधु जी, आप लोगों ने जब 2014 में आपकी सरकार बनी थी तो आप लोगों ने सब्सिडी वापस करने की भी बात कही थी, आप लोगों ने कहा था कि सब्सिडी वापस की जाएगी, क्या धरातल पे इसकी स्थिति क्या है आपको मालूम है? मेरी खुद की जो रिपोर्ट है, मेरी खुद की रिपोर्ट में जो गांव में जाकर मैंने कवरेज किया है, मेरे उस रिपोर्ट में पूरे के पूरे गांव में किसी के भी खाते में सब्सिडी वापस नहीं आई है, ये मेरी खुद की रिपोर्ट है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए आपकी रिपोर्ट कहां तक सही है और आंकड़े कहां तक गलत है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपने देखा यही हमारी सरकार है, आज भी 80 करोड़ लोगों को आप देख रहे हैं कोविड काल के बाद से भोजन की व्यवस्था, और आने वाले अभी देखिए जैसे सरकार आई उसको सितंबर तक बढ़ा दिया गया, तो उस परिपेक्ष में भी आप देखें तो सरकार हमारे जहां लोगों के जीवन की रक्षा के लिए तत्पर है, वहां हम भी जानते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना भी बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा अभी भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उस पे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारा है नहीं, 80% से ज्यादा हम पेट्रोल और डीजल आयातित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा निरंतर हमारी सरकारों ने प्रयास किया और जहां हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था की कोरोना काल से वो आज भी जारी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगी तो हमारी डबल इंजन की सरकार लोगों के साथ हमेशा तत्परता से जुड़ी है। और रही बात विपक्ष की, अभी हमारे मैं सुन रहा था हमारे विपक्ष के साथी मित्र आरोप लगा रहे थे, देखिए कमरे के अंदर ट्वीट कर देना बहुत आसान बात होती है और धरातल पे उतर पर काम कर देना, और जनता जो ये आपकी अभी जो चुनावी हार है वो कुंठा और हताशा है, आप कब कहाँ खड़े होते हैं यह बताइए, कब आप जनता के साथ जुड़े मुद्दे पे आप कभी बात करते हैं, खाली आप लोग जो है क्षुद्र राजनीति चमकाना जानते हैं। अब महंगाई है तो आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप आइए, आपका स्वागत है सदन से लेकर सड़क तक, हर पटल पे आप अपनी बात रखें, मुद्दे रखे हो, हाहाकार मचा देना नहीं होता, देखिए हर समस्या हर चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों को स्वीकार करना और उसका समाधान करना ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जानती है। बिल्कुल देशबंधु जी, मैं इस बात को पूरी तरह से समझ सकती हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ कि चुनौतियों को हमेशा से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि आपने राशन देने की अवधि बढ़ा दी है, अगर राशन देने की अवधि बढ़ा दी है तमाम लोग ऐसे भी हैं जो वो राशन कार्ड धारक नहीं है जो राशन ले सकते हैं, उन पे तो गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का असर पड़ना चाहेगा। फिलहाल मयंक यादव जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं देशबंधु जी का, अपना पक्ष रखें। देशबंधु जी कॉपी किताब लेकर ही बैठते हैं और सब्सिडी पर बड़ा जोर दिया जा रहा था और
80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात बहुत प्रमुखता से कह रहे थे। फूड सब्सिडी की भी बात कर लिया जाए, लिखित में अगर आंकड़े हो तो आप प्रदर्शित कर दीजिए। 2021 का जो आंकड़ा था वो 5,41,330 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलती थी, तो सॉरी फूड सब्सिडी की ये सब्सिडी थी। अब 2022-23 के का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये घटकर 2,06,000 ही रह गया। ठीक है, अब बात कर ली जाए जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे एलपीजी के दामों पर और सब्सिडी, आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग ये है, सब्सिडी तो खैर खत्म हो गई, सब्सिडी की जगह भी कुछ दिया जा रहा है, यह सब्सिडी की जगह डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है, वो भी 35 रुपए का। हम जब सिलेंडर बुक करते हैं तो मेरे फोन में मैसेज आता है, मम्मी के फोन से मैं करता हूँ, 35 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में वापस आते हैं बहुत इज्जत सम्मान के साथ, बस वो डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो सब्सिडी कितनी आती थी, आप सब्सिडी से उस 35 रुपए को डिवाइड कर दीजिएगा, आंकड़े मिल जाएंगे। और इतना इतनी मेहनत सरकार कर रही है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, सरकार की मेहनत का नतीजा यह है कि बिहार में 1,104 रुपए का सिलेंडर है, छत्तीसगढ़ में 1,071 रुपए का है और हमारे यहाँ 1,040 रुपए का, तीसरे नंबर पे हैं अभी फिलहाल जो मेरे पास आंकड़े उनके हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी को भी मेहनत करनी होगी कि हम लोग पहले नंबर पे आए, 1,104 रुपए में बिहार दे रहा है तो हम लोग 1,200-1,300 में खरीदना चाहिए। और देखिए इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाने को काम करना मेहनत करना नहीं कहते हैं, ये कलाबाजियां बंदर भी करता है। आप सरकार में बैठे हुए हैं, सारी चीजें आपके पास है, ठीक, केंद्र की सरकार भी आपकी और राज्यों के ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, भाई इतना सब होने के बावजूद महंगाई बढ़ती है, ये समय की डिमांड है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। और ये भारत सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है इसका एक सबसे बड़ा ये उदाहरण ये देना चाहते हैं कि हम विकसित देश हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम आज विकासशील देशों में भी नहीं बचे हैं। देश बंधु जी ध्यान दीजिए, हम लोग विकासशील देशों में भी नहीं बचे हैं और आपकी सरकार की जो हरकतें हैं वो बताती है कि हम लोग। एक हजार से ऊपर रुपए का सिलेंडर राशन आपका कितने का होगा ये आपको बेहतर जानकारी होगी कि आपका एक जो पूरा राशन का पैकेट बना के देते हैं महंगे से झोले में, जितने का झोला होता है उससे कम का राशन होता है और उस पर वो 1,000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर। देश बंधु जी आम आदमी कैसे जिएगा? और इसका सबसे बड़ा कारण जो ये महंगाई बढ़ रही है, जो लोन होता है मिडिल क्लास फैमिलीज का, वो पहले 4% होता था, वो 4.40% हो रहा है। तो देखिए मार सिर्फ पेट्रोल डीजल गैस इस पे नहीं पड़ रही, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, डेली ग्रोसरीज है, भाई आप पार्ले जी का बिस्किट ले लीजिए, दाल ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, सुबह सुबह हम लोग मंजन व्रत करते हैं तो इसमें मंजन व्रत वाली तस्वीरें ज्यादा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक मंत्री जी हैं सुबह सुबह मंजन करते बहुत दिखते हैं, रात में लोअर में सोते हैं, सुबह हाथ मिलते हैं माननीय मंत्री महोदय। तो ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज पर आप बात कर लीजिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ जानकारी दूंगा देश बंधु जी। और देखिए बचाना हमारे देश को हम लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है, ये जनता बेहतर जाने कि वो अपने देश को बचा रही है या बिगाड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी सिर्फ एक राशन योजना को छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हमारा देश बच पाए। आर्थिक मंदी जब 2008-09 में आई थी उस दौर में भी हम लोग बचे हुए थे, आज आर्थिक मंदी सिर्फ हमारे ही देश पर आ रही है, तो ये स्थितियां पैदा करने वाली भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मैं जी देश बंधु जी आपने तमाम आरोप सुने, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, और बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं भी ये बात कहना चाहूंगी कि महंगाई की मार से जनता परेशान है, क्योंकि कोविड के बाद से जिस तरह से लगातार लोग बेरोजगार हुए हैं उसके बाद से क्या कहना चाहेंगे आप, और इस विपक्ष के सवाल पर क्या जवाब देंगे आप? विपक्ष की हताशा है, मैं जी तो मेरे मित्र भी हैं,
और ये हर चीज को सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार तो जवाब दे रही है। मैं इनकी वाकपटु है, इस बात को मैं मानता हूँ, और हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती। देखिए महंगाई के बहुत पटल होते हैं और आजकल आंकड़ों का खेल महंगी भी बहुत बढ़िया खेलने लगे हैं, लेकिन मैं आंकड़े इनको दे दूं। देखिए आपको ये बता दूं, बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा और इस बात को मैं बोला कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। और मैं जी को केवल मैं यही सांत्वना दे सकता हूँ कि आप अपनी हताशा निराशा को आशावादी नजरिए में रखिए, कुछ सप्ताह लगेंगे और इस महंगाई से भी निजात दिला देंगे। देश में सब कुछ सस्ता कब होगा या सब कुछ महंगा ही होता जाएगा? अगर बात किया जाए, हर दूसरे दिन आज उसका दाम बढ़ गया, कल उसका दाम बढ़ गया, रोज दाम ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वक्त के साथ महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कब ये महंगाई की मार थमेगी? आज उसका दाम कल उसका दाम बढ़ना कब बंद होगा? और ये सवाल आम जनता का है देश बंधु जी। नहीं, आम जनता का जवाब है तो आम जनता के हित में ही मैंने बोला, सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं और आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे 15.2 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हो, लोगों को रोजगार, इन्होंने तो खंभे तक नहीं लगाए रोजगार के बाद, छोड़ दीजिए गड्ढा मुक्त कर दिया प्रदेश, बाद गड्ढा हम भरते भरते उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के पथ पर लाए हैं। आपने संदेह देखिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड फैक्टर्स होते हैं। अब उस आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक यह कहना चाहता हूँ, हम जनता जनार्दन के साथ हैं और पिछले 8 वर्ष में केंद्र में और प्रदेश सरकार दोनों जो सरकारें हमारी चल रही थी, जनता जनार्दन के हित में हमने काम किए हैं और विभिन्न अवसरों में देखा। आज आप देख रहे होंगे देश में जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है वहाँ की महंगाई की तुलना में, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ महंगाई कम है। अब आप इन्होंने मुझे आंकड़े दे दिए, देश बंधु जी कौन से आंकड़े से आप बता रहे हैं? मैं भी वो आंकड़ा जानना चाहूंगी देश बंधु जी, कौन से आंकड़ा रख रहे हैं आप? दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर जनता जनार्दन से हम जुड़े न होते और उनके हित में फैसले न करते, इतनी बड़ी के रूप में जनता जनार्दन का हमें आशीर्वाद। बिल्कुल देश बंधु जी, मैं एग्री करती हूँ कि 5 राज्यों में 4 राज्यों की जनता ने आपको मैंडेट दिया, आपकी सरकार बनाई। बंद करते हुए कहता हूँ कि चुनौती है महंगाई, एक चुनौती है, उसको स्वीकार कर रहे हैं और सरकार ने त्वरित फैसले लिए हैं। हमारी विभिन्न कमेटियां, कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हो गई है, आने वाले कुछ सप्ताह दीजिए, जनता को राहत मिलेगी और इस महंगाई की चुनौती को भी हम पार कर पाएंगे और जनता जी। बिल्कुल देश बंधु जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ हफ्तों बाद ही मुझे महंगाई के मुद्दे के चर्चा में आपको ना इनवाइट करना पड़े। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आपकी इस बात से ये उम्मीद करती हूँ कि शायद कुछ हफ्तों बाद, जितने हफ्तों की बात आपने कही, फिर से महंगाई का मुद्दा ना हो। फिर से जब मैं ग्राउंड में जाऊँ जनता के पास, तो जनता की यही मांग ना हो मेरे से कि हमने तो मैंडेट दे दिया, हमने तो सरकार बना दिया, अब हमारी बात अब पहुंचाइए सरकार तक, उनसे कहिए महंगाई कम करे। मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ देश बंधु जी आपसे। अंकुर सक्सेना जी RLD से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसके बाद भी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कहना है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया, हमने अच्छा काम किया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? आपका मेन विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन भी था चुनाव के दौरान, कहां से अपनी चूक देखते हैं आप? गठबंधन था नहीं, गठबंधन वर्तमान में मौजूद है जी। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मौजूद है जी जी जी। और जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय का है या भारतीय जनता पार्टी के जवाब का है, तो बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है कि अभी अपनी शब्दों में जनता जनार्दन कह रहे थे, वास्तव में जनता जनार्दन है, लेकिन बड़े दुख की बात है, जनता जनार्दन की जनभावनाओं के अनुरूप आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई,
आप कह रहे हो कि समय के अनुसार महंगाई बढ़ती जाएगी, नो डाउट महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन वही जनता जनार्दन ने जब तक आपको मैंडेट नहीं दिया था 10 मार्च तक क्यों नहीं मेरे भाई सिलेंडर के रेट बढ़े, 10 मार्च तक क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में चूंकि इलेक्शन हुआ नहीं था 10 मार्च तक क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, ये सारी महंगाई 10 मार्च के बाद क्यों हुई। आपने अभी त्रिशला जी एक बहुत अच्छी बात कही कि महंगाई में इनने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन के बाद जब महंगाई कम होगी तो उस मुद्दे पे कुछ हफ्तों में आप इन्हें डिबेट पे बुलाएंगे। मैं आपको वो टाइम बता सकता हूं जब महंगाई कम होगी, मैं आपको वो वक्त बता रहा हूं। देखिए अभी सिलेंडर के रेट भी बढ़ेंगे एक बार और 50 या 100 रुपए बढ़ेंगे, अभी आपके डीजल पेट्रोल के भी रेट 2-4-10 दिन में और बढ़ते रहेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे, ये रेट आपके जाके कम होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद 10 या 20 रुपए कम होंगे, मतलब 200-250 बढ़ा दिए जाएंगे, 10-20 रुपए कम हो जाएंगे। और 2024 के इलेक्शन में आप देखिएगा 3 महीने पहले से आपके रेट पे जो कंट्रोल या जो रेट पे लगाम लगेगी वो 2024 के इलेक्शन के परिणाम तक आपको नजर आएगा। तो आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली को बखूबी समझना होगा और इस बात को जानना होगा कि अगर इलेक्शन के समय में, इलेक्शन के टाइम में भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल नहीं है सरकारी निकायों के ऊपर, सरकारी या प्राइवेट एजेंसीज के ऊपर जो लोग गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो फिर आम जनमानस को इलेक्शन के तुरंत बाद इसके दुष्परिणामों को क्यों भुगतना पड़ रहा। राज्यपाल उज्ज्वला योजना का शायद आप डिबेट में नहीं जुड़े थे, उज्ज्वला योजना आपकी कोई योजना नहीं थी, टोपी पहनाने का माध्यम था जिसके माध्यम से जस्ट लाइक क्रेडिट के तौर पे आम जनमानस को गैस दिया गया था, जब तक उनके द्वारा संपूर्ण धनराशि का जितने में गैस कनेक्शन मिलता है भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक उनको सब्सिडी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात आप लगातार कर रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को आपने अपनी अन्न योजना का फायदा दे रहे हैं, मतलब आप उनको फ्री राशन का। उत्तर पूरे भारतवर्ष की आबादी कितनी है आप बताइए, 124 करोड़। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि 7 साल से आप लगातार शासन कर रहे हो और अभी भी हमारी 80 करोड़ आबादी, 80 करोड़ की आबादी आपकी जो है अपने पैरों पे खड़ी होने से वंचित रह गई है। कैसे आप लोग इस आंकड़ों के ऊपर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कैसे आप ये एहसास करा रहे हैं, कैसे आप जनमानस में ये बात सीना ठोक के कहते हैं आप कि हमने 80 करोड़ लोगों का पेट भरा। अरे आपको तो इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके शासन में हमारे 80 करोड़ का जनमानस 2 टाइम की रोटी के लिए भुखमरी का कगार हो रहा है। इसका मतलब है आपकी सरकार पूर्णतया विफल है, परंतु आप उसको बड़ी तेजी से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। ठीक है, अभी आप कह लीजिए 24 में आपको इसका परिणाम नजर आएगा। बिल्कुल अंकुर जी, मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि जनता चिल्ला के कह रही है, जनता की मांग है, जनता महंगाई की मार झेल रही है। हम लोग भी जब ग्राउंड में जाते हैं तो हमें भी यही सामने आता है कि जनता महंगाई की मार झेल रही है। देशबंधु जी, कांग्रेस का कहना है कि विश्व में सबसे महंगी रसोई गैस भारत सरकार बेच रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? अरे कांग्रेस के कोई शब्दों का मायने है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का पर्याप्त हो गई है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। और मेरे मित्र जो बात करते हैं 2004 से 14 60 साल में देश को गर्त में पहुंचा दिया कांग्रेस ने, आज कांग्रेस कहां धरातल पे, इनके राजकुमार कहीं इटली में घूम रहे होंगे और प्रियंका वाड्रा जो है चुनाव को इवेंट मैनेजमेंट बना के आई, 2 महीने टहल के चली गई, आप बताइए है कहां? भ्रष्टाचार की दलदल है, 4 से 14 तक धरती से लेकर आकाश पाताल तक बेच दिया, ये हमसे प्रश्न उठाते हैं, 60 साल इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। और आप विभिन्न संस्थाओं की बात करते हैं, आज कोई ऐसी चुनौती हो, हम जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं देश बंधु जी, हालांकि हमारे साथ अभी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद नहीं है, हमारे मित्र अंकुर जी अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2G घोटाला हुआ 1,86,000 करोड़ का, बता सकते हैं कितने शून्य होते हैं? कोयला घोटाला हुआ, राजमंडल घोटाला हुआ, अरे घोटालों की सरकार हुई, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, घोटालों की इसका जवाब कांग्रेस धरती से लेके आकाश तक, आसमान से लेके पाताल तक, सब तो आपने बेच दी। नैतिकता की बात करते हैं, आज कहाँ है इतिहास के पन्नों में, चुप हो गए। देशबंधु जी, बेचने की बातें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना करें। देशबंधु जी,
अरे क्या मैं 2 शब्द तो बोल सकता हूँ? मैं जी अपना पक्ष रखे, मैं जी अपना पक्ष रखे। इतिहास के पन्नों में देशबंधु जी, अरे सुन लीजिए सर, की बात होती है 60 साल में आप मान्यवर आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े शौचालय नहीं दे पाए हमको, मुस्कुरा रहे देशबंधु जी, आंकड़े सुन लीजिए। क्या मतलब है आप तो हमसे पूछ रहे जी, आपने शौचालय ग्रह दिया तो क्या उनमें पानी की व्यवस्था की? शौचालय ग्रह तो बना दिए लेकिन देशबंधु जी, अंकुर जी, बैंक जी को अपनी बातें रखने दे आप जी। कृष्णा जी, देश बंधु जी तक पहुंचा दीजिए, लुटेरी कांग्रेस के राज में भारत पर जो कर्ज था वो 388 अरब डॉलर था, और मोदी जी की जो लुभावनी सरकार आई है इसमें कर्ज बढ़कर 614 अरब डॉलर हो गया। जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, चुनौती को स्वीकार करने का हमारे पास मौका है, हम इस चुनौती को स्वीकार करें और जनता जनार्दन। अरे ठीक है, चुनौती नहीं है ये, आपके कर्मों का परिणाम है, पूर्ण नहीं किया चुनौती। एक सेकंड, ठीक है देशबंधु महेश जी, अंकुर जी, मैं आपसे आप लोगों से 2 मिनट की शांति चाहूंगी। देशबंधु जी ठीक है, आपने बात कही, आपने चुनौती को स्वीकार किया, मैं मानती हूँ चुनौती स्वीकार किया, और ये बहुत लाजमी सी बात है कि किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी चीज कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में वक्त लगता है, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो भी ज्यादा है। लेकिन बस एक जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जब रसोई गैस 450 रुपए था तो स्मृति ईरानी जो है वो धरने पर बैठी थी, आज 1000 रुपए पार है, कहां है स्मृति ईरानी जी, बताएं आप, जवाब दे इसका। स्मृति ईरानी जी जहां होना चाहिए वही है, आपको मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि हमने हमने जो किया उसका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और जनता की इस चुनौती को भी, इसीलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है, जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है, जनता बहुत उम्मीद करती है भारतीय जनता पार्टी से, तभी 4 राज्यों में मैंडेट दिया है जनता ने। मैं बड़ी विश्वसनीयता से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत कर रही है, कुछ सप्ताह दीजिए महंगाई से भी निजात मिलेगी, कोई ऐसा गंभीर से गंभीर मुद्दा नहीं रहा हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, जनता इतनी मतलब दुखद स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। तो बहुत ज्यादा जी, एक सवाल आपसे, मैं कहता जी आप विपक्ष में है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ है समाजवादी पार्टी? मुझे तो कहीं सड़कों पर नहीं दिखी समाजवादी पार्टी, जिस तरह से अगर बात की जाए मेहनत की, तो मैं आज कहना चाहूंगी कि जब 450 रुपए था तो स्मृति ईरानी जी तो बैठी हुई थी, लेकिन आज जब 1000 के पार है तब तो विपक्ष मुझे कहीं रोडों पे नहीं दिख रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है मुझे अपनी आवाज उठाते हुए, क्या कहेंगे आप इस पे? विपक्ष की भूमिका कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप लोग? तिस्ला जी, अगर आपका चैनल कानपुर में भी अगर कुछ आपके संवाददाता या ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले लोग जी, मैं बात सुन लीजिए कि प्रदर्शन हुआ कि नहीं कानपुर में, देशबंधु जी मैंग जी को बात रखने दीजिए, आखिर हमें भी तो पता चले विपक्ष कहाँ है। मैंने मना कहाँ किया है, कमरे में ट्विटर रख रहे होंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव भैया जो है कमरे में ट्वीट कर देंगे और मैंग जी आके उस ट्विटर को बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यान देंगे, ऐसा तो है ही है। ट्विटर ट्विटर कह के तो समाज की महंगाई दूर हो सकती है, समाज की सारी जड़ों को समाप्त किया जा सकता है। अरे सर 2 मिनट मांग रहा हूँ, समस्याओं को दूर किया जा सकता जी, है। अरे मैं जी, मैं जानता हूँ आप अच्छे लगता है, हम अच्छा लगता है आपको सुनना, लेकिन सवाल तो ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए माननीय। एसी के बंद कमरों से निकलेंगे तब ना जनता की समस्याएं सुनेंगे, तब अरे जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हैं आप सबसे उम्र दराज है सर, बात को तो मैंने थोड़ा सा अपनी उम्र का लिहाज करिए, सवाल ले लीजिए, पर्सनल मत होइए, अपना पक्ष रखिए। देश बंधु जी थोड़ा सा आप एक सवाल ले लीजिए, आप बड़े आपको सुनना अच्छा लगता है, सवाल नहीं अनेक सवाल दीजिए, आप सवाल ही तो आपको ट्विटर पे आपसे सर हम बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ आकर आप मेरे परम मित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश बंधु जी हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ आकर हम विपक्ष में होने के नाते हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, जवाब भी चाहेंगे हम। जो आप अभी लुटेरी कांग्रेस की बात कर रहे थे, मैं भी कहता हूँ बहुत लुटेरी सरकार थी, हम लोगों ने भी बड़ा प्रदर्शन किया, साथी थे लुटेरी अरे सुन लीजिए, अरे एक साथी थे, दो देश बंधु जी 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड साइकिल पंचर, देश बंधु जी सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, मान्यवर नहीं दिया आपको, मैं 10 सेकंड लूंगा मान्यवर, तो आप भी थे लूट में, 10 सेकंड लूंगा, बस 10 सेकंड महक रही है अभी, इत्र की खुशबू महक रही है, रामपुर में कई एकड़ जमीन निकल रही है अभी, अभी सोने और चांदी के, 10 सेकंड चाहेंगे मान्यवर, एक सवाल ले लीजिए, जांच चल रही है मान्यवर, 10 सेकंड जांच एजेंसियां निकाल रही है, अभी रुपया कमरों से निकला है, अभी 10 सेकंड सुन तो लीजिए, क्वेश्चन तो सुन लीजिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है,
कि रुपया कहाँ बोरों में भर भर के रखा हुआ है, इस बात को आप जान लीजिए। जी बिल्कुल, देशबंधु जी क्या पैसे, क्या पता है भैया और राजकुमार दोनों लोग साथ साथ साइकिल से चले थे। देशबंधु जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचर कर दी साइकिल और साइकिल टूट गई और इसके बाद भी दो ये। अरे भैया कॉमेडी करने बैठे हो क्या यहाँ, ये बताओ, अगर कॉमेडी करने बताओ हम भी कहें ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अखिलेश भैया नाराज हो जाएंगे, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर, सवाल ले लीजिए भ्रष्टाचार की या फिर आप भी जानते हैं किस तरह की जांच की आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी इसे छूता नहीं है। और जब सरकार जाती है तो हर किसी की जांच होती है और ये नियम कानून और कायदा है, ये चला आ रहा है, ठीक है, ये चला आ रहा है, जांच कर लीजिए ना। मैं जी, मैंने किसी पार्टी को नहीं कहा, मैं जी आप लोग पर्सनल मत करिए, महंगाई के मुद्दे पे बात करिए, मेरा सवाल विपक्ष है, विपक्ष कहाँ है, क्यों नहीं आवाज उठा रहे महंगाई पे। अरे बात तो हमें कहने तो दीजिए, मैं जी आप अपना बात रखिए, कहाँ है विपक्ष, कहाँ खड़ा है विपक्ष आज बताइए। कहीं नहीं है मैडम, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष ठीक है। हम लोग देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में दो तीन बड़ी घटनाएं हो गई, ललितपुर की घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होगी बेहतर तरीके से होगी, चंदौली घटना और प्रयागराज की घटनाओं की जानकारी होगी। मेरा एक सवाल देशबंधु जी से पूछ लीजिएगा, जो ये मेरी कांग्रेस की बात कर रहे थे, चर्चा नहीं हो पाएगी, आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, किसी और को अन्य आदमी को यहाँ पर बात अपनी रखने नहीं दे रहे, बात रखने दे, बात सुन ले फिर आप जवाब दे, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। नहीं मुद्दा, नहीं मुद्दा है महंगाई पे बात करें, मैंने महंगाई पे ही बात किया, मैंने पूछा विपक्ष से कहा है, मैंने कहा तो मैंने उनको बताया तो जब 450 रुपए था सिलेंडर तो स्मृति ईरानी जी रोडों पर प्रदर्शन कर रही थी, ठीक है, तो मैंने वही मेहनत भारतीय जनता पार्टी की याद दिलाई आज विपक्ष को कि कहाँ है विपक्ष, स्मृति जवाब दे विपक्ष उसका, इस महंगाई से निजात, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये सुने तो जवाब, ये देखिए फिर बढ़ा रहे हैं, और मेहनत करिए स्मृति ईरानी जी, दिख रहा अभी तो महंगाई पे एक ट्वीट तो मैं स्मृति ईरानी जी का आया नहीं महंगाई पर, जनता ने आपको मैंडेट दिया है। नहीं मैम, हम ट्वीट नहीं करते, हम जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अरे भैया ऐसा जुड़ने की लूट चाहिए, ऐसा जुड़ने की लूट चाहिए, कुछ हफ्तों में कम हो जाएगी, कितने हफ्तों में कम हो जाएगी, मैंने कहा मैं आशा करती हूँ कि कुछ हफ्तों बाद मुझे इस मुद्दे पे डिबेट। कृष्णा जी, जी मैम, कृष्णा जी, जी मैम जी अपनी बात रखिए। देशबंधु जी आंकड़ों पे बात करते ना सर, ये लिखा हुआ पूरा चिट्ठा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरा चिट्ठा है, आइए आंकड़ों पे बात करिए, कहाँ बात करेंगे, फर्जी बड़बड़ाने से क्या होता, तब से बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहे हैं, बड़बड़ाने के लिए डिबेट करने बैठे हैं। अरे फिर सवाल सुनिए, जवाब दीजिए, या तो सवाल पूछिए, बड़बड़ किए जा रहे सर, आप मैं आपसे विनम्रता पूछ और निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन को आप समझ ही नहीं रहे हैं, और इस तरह की चीजें सुन नहीं करनी है, निवेदन को आपको समझ नहीं रहे, इमेज बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे चिल्ला करके, बच्चे हैं क्या आप लोग, बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, किस तरह की इमेज बना रहे हैं, नहीं ये गलत बात है, आंकड़ों आज आप आंकड़े मुद्दे से मत भटकिए आप लोग, जब डिबेट पे आप लोग बैठते हैं तब आप लोग मुद्दे से, मयंक यादव आप हमें इस बात का जवाब दें, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ रख रहा है अपने पक्ष, रखे देशबंधु जी, मयंक यादव को सुन लेने दीजिए, मयंक जी अपना पक्ष रखे जी, त्रिशला जी, विपक्ष इस समय देखिए आपको भली भांति जानकारी होगी, ललितपुर चंदौली और प्रयागराज में गाजियाबाद में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आदमी मर रहा है, फिलहाल समाजवादी पार्टी उनकी मदद में लगी हुई है, और मेरा एक सवाल पूछ दीजिएगा देशबंधु जी से, लुटेरी कांग्रेस के राज में जो हमारे ऊपर जो कर्ज था वो 388 अरब डॉलर का था और आज वो 614 अरब डॉलर का हो गया, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे, बाकी और तो कोई जवाब ना देशबंधु जी दे पाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ दे पाएंगे, ना प्रधानमंत्री जी दे पाएंगे, बस इन लोगों के मुंह से ओ माय गॉड ही निकल सकता है, किसी की हत्या हो जाए हर चीज पर सिर्फ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई हम ओ माय गॉड सुनने बैठे थोड़ी, आपको सत्ता ओ माय गॉड के लिए नहीं दी गई, आपको सत्ता दी गई है लोगों को राहत दी जाए। अंकुर सक्सेना जी, आपका गठबंधन अभी है भी है समाजवादी पार्टी के साथ, चुनाव के दौरान भी था, मैंडेट जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, लगातार जब महंगाई बढ़ी है और हम सवाल करते हैं तो सभी का यही कहना है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम काम करेंगे, विपक्ष के रूप में कहां खड़े हैं आप लोग, किस तरह से अपनी आवाज और जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ। देखिए त्रिशला, मैं आशा करती हूँ अपने दो गेस्टों से कि जवाब देने देंगे, अंकुर जी को, अंकुर जी अपना पक्ष रखिए आप। देखिए त्रिशला जी,
भारतीय जनता पार्टी की 2017 से में जो 17 से 22 तक की सरकार बनी, आपको पता है कि इन लोगों के कितने कैंडिडेट जीते थे और फुल मेजोरिटी के साथ में बहुत ज्यादा इनको था। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें प्राप्त हुई थी। और आप देखिए 2022 का चुनाव, आम जनमानस ने इनको इनके करनी का फल दिया और उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें कितनी कम हुई और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त प्राप्त हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंकुर जी मेरी बात सुनिए, सीटें कम हुई, जनता ने मैंडेट दिया, बस आज देखिए जो होना था हो गया, चुनाव खत्म हो गया। मेरी बात सुनिए, चुनाव खत्म हो गया, आज कितनी मेहनत कर रही है विपक्षी पार्टी। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बार बार एक एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं लगता। मैं आपके एग्जाम्पल को, आप मेरी बात सुन ले, आपको खुद ही मेरी बात कंक्लूड हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा आपकी के सवाल का जवाब। हमारे लोगों ने धरातल पे मेहनत की, इसीलिए आम जनमानस ने हम लोगों को मैंडेट की तरफ बढ़ाया। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में, आप देखिए 77 सीटों पे जो 5 लाख वोटों का अंतर रह गया, मात्र उन्हीं 5 लाख वोटों के अंतर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सत्तारूढ़ हुई। हमारे और सत्ता के बीच में जो डिफरेंस रहा वो मात्र 5 लाख वोटों का रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बखूबी एहसास है कि विपक्ष जो है बड़ी मजबूती से जनता के साथ खड़ा है, गठबंधन के रूप में हम लोग जनता की आवाज है और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि राजनीति में सारे दावपेच आपके खुले चैनल के माध्यम से बताए जाए। जरूरी नहीं है कि हर वो चीज को जो हम लोग कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, अपनी बातों को ले जा रहे हैं पब्लिक के साथ में, हम लोग यूनाइट होकर काम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ब्यौरा दिया जाए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है आम जनमानस को नजर आ रहा है। हम लोग कल भी अपनी जनता के साथ थे, हम लोग आज भी जनता जनार्दन के साथ हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को आश्वस्त करता हूँ कि ये जो आप इस तरह से सवालों से बच नहीं सकते अंकुर सक्सेना जी, की चैनल पे मैंडेट ना बताया जाए, चैनल पे स्ट्रेटेजी ना बताया जाए, दिखिए तो जनता की लड़ाई लड़ी, इसीलिए जनता ने इतना स्नेह दिया और जनता की लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ने को तत्पर हैं और लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं। आगामी विधानसभा सत्र में जैसे विधानसभा सत्र चालू होगा, आपको देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनने की देश बंधु जी हो जाएगा। महंगाई ने ना जो उज्ज्वला योजना के दिए है वो बुझा दिए हैं, ठीक है, ऐसे में कैसे फायदा मिल पाएगा उज्ज्वला योजना का? हमने तो दिए थे, आप बताइए। देश बंधु जी आपको कोई क्या कूपन मिला है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कूपन दिया गया है सिलेंडर पे सब्सिडी का? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को या कार्यकर्ताओं को घर में चूल्हे नहीं जलते गैस से? या आप लोग को जो गोबर होता है गाय का उसके खंडे बना के यूज कर रहे हैं? मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, सुन लीजिए आप लोग, मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि इस तरह से डिबेट नहीं होता, इस तरह से किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं होती, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे मैं इस डिबेट को यहीं पर खत्म कर दूंगी अगर आप लोगों ने इस तरह से बात करना बंद नहीं किया तो, बहुत गलत बात है। इस तरह से तो किसी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्या जवाब देगा विपक्ष? कहां दिख रहा है विपक्ष? किस तरह से जनता को उम्मीद दिलाएगा पक्ष? इस तरह से चर्चा नहीं होती है, इस तरह से अनुशासनहीनता नहीं दिखाते किसी चैनल पर बैठ करके? अरे मेरी तो बात सुनिए आप लोग, मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग अपनी बोले जा रहे, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके आप लोग बोलिए। मयंक यादव, कहाँ है विपक्ष, कहाँ दिख रही है विपक्ष, बताएं आप। त्रिशला जी, उत्तर प्रदेश में इस समय आपने देखा होगा चंदौली की घटना, ललितपुर की घटनाएं, बेटियों, और मैं खुद एक महिला होने के नाते मैं खुद कहती हूँ कि बहुत गलत बात है इस तरह से जो वाक्य सामने निकल करके आ रहे हैं, कई महिलाओं के साथ भी बहुत गलत बात है। सरकारें चाहे जो भी हो, महिलाओं की हालत जस की तस रहती है। जिस तरह से ये घटना सामने निकल कर आई है, SHO ने खुद लड़की के साथ गलत किया, जिस तरह से मणिलाल पाटीदार में अभी भी IPS अधिकारी फरार है, मैं खुद निंदा करती हूँ उस चीज की मयंक जी। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कहाँ है विपक्ष? मैम महंगाई के मुद्दे पर अभी देखिए मुख्य काम है किसी की जान जा रही है मैम। अगर लोग किसी की जान बचाने के लिए नहीं जाएंगे, महंगाई तो ये लोग बढ़ा ही रहे, महंगाई पर तो प्रदर्शन होंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी जरूरत है किसी की जान बचाना। देखिए असल में जान लेने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है, आप उनसे लड़ना है।
महंगाई के लिए तो जनता ने जनता को 80 करोड़ लोगों को राशन तो मिल ही रहा है, ठीक है। और कानपुर की मैं आपको जानकारी दे, कानपुर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। अब हर चीज मैम मीडिया में नहीं आ पाती है, लगभग नुक्कड़ चौराहों पर समाजवादी लोग प्रदर्शन करते हैं, पूरी मीडिया आप भी जानते हैं, आप जैसे एकाध चैनल है मैम, ठीक है, तो हर कोई नहीं दिखा पाता है। और समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन सबसे बड़े आज के समय पे जो ये अपराध हो रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ा रहे हैं। अपराध बेरोजगारी महंगाई के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं, बेरोजगारी और महंगाई का कारण अपराध बढ़ना है जी। बाकी देश बंधु जी से मैं निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, ऐसी डिबेट में कृपया हमें ना बुलाया करें। पिछले 20 मिनट से देश बंधु जी कहीं चुप नहीं हुए थे, कहीं चुप नहीं, चाहे मैं बोल रहा हूँ चाहे अंकुर जी बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल मैंग जी, बहुत ध्यान रखा जाएगा अनुशासन का। अंकुर सक्सेना जी आप अपनी बात रखिए जी। त्रिशला जी देखिए, त्रिशला जी मैं भी बहुत स्पष्टवादी सोच का हूँ और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखता हूँ। मुझको भी ये बात कतई नहीं एक्सेप्टेबल है कि डिबेट का माहौल बदले, आपकी भी प्राथमिक जिम्मेदारी और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब विपक्ष अपनी बात रखता है तो सत्तारूढ़ दल के द्वारा अगर बीच में इंटरप्शन किया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल पे है। विपक्ष के द्वारा अगर अपनी बात को ढंग से नहीं रखा जाएगा और लोगों के द्वारा उस बात को नहीं सुना जाएगा, असल में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी, मैंने कई डिबेटों में विभिन्न चैनलों पर लगातार मैं देख रहा हूं कि जब किसी मुद्दे पर उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो इंटरप्शन करके डिबेट का माहौल खराब जी। के लिए सत्तारूढ़ दल जो है वो प्राथमिक जिम्मेदारी है, उनको डिबेट का रुख मोड़ने के मुकाबले महंगाई का रुख मोड़ने में अगर सफलता प्राप्त हो जाए तो मैं ये कहीं ना कहीं आम जनमानस को इस बात का बखूबी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने सही सरकार को चुना है। लेकिन आम जनमानस आज की डेट में जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन बड़ी दुखद स्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी के मुझे लगता है जितने भी प्रतिनिधि हैं या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी या जो सरकार है उसने कुछ ऐसे कूपन बांट रखे होंगे कि इन लोगों को महंगाई का जो कांटा लगा वाला गाना है ना वो लग नहीं रहा है, तो जिस दिन इन लोगों को कांटा लगेगा उस दिन इनको महंगाई का बखूबी एहसास हो जाएगा। देशबंधु दीक्षित जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। देखिए जिस तरह से जनता महंगाई की मार झेल रही है, क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कि किस तरह से जनता और थोड़े दिनों तक रुकी रहे और महंगाई कम होगी? मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपनी जनता के लिए जवाब चाहूंगी, अपने ऑडियंस के लिए आपसे ये जवाब चाहूंगी मैं। नहीं आपकी आपसे सुनने वाले जनार्दन और दर्शकों से मैं बड़ी जिम्मेदारी। देशबंधु जी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ, प्लीज आप रिपीट कर दे। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैंने आपको कहा कि हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है, बहुत सारे जनता को महंगाई से जिनाने वाले कदम उठाए जा चुके हैं, आगामी आने वाले कुछ सप्ताह में महंगाई से निजात मिलेगी। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के साथ जुड़े हुए हैं और जनता के एक एक मुद्दे पर हमारी सरकार की और हमारे अधिकारियों की पैनी नजर हुआ। और यही बात अभी समाजवादी वाले मुझसे बोल रहे थे, देखिए कानून और व्यवस्था पे हमारे मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस नीति है, कोई भी आदमी हो, कोई भी कितने से बड़ा पद पर बैठा हो बचता नहीं जाएगा, दूसरी चाहे कितनों भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, जो दंड है वो सबके लिए समान है। देशबंधु जी एसएचओ द्वारा जिस प्रकार की कृत एक महिला के साथ की गई, एक नाबालिग लड़की के साथ की गई, बाद में आप सजा देकर क्या करेंगे? हिम्मत कैसे एसएचओ की ऐसी कृत्य करने की? दे रहा हूँ, देखिए मैंने कहा, आपने कहा, आपने कहा कड़ी कार्रवाई होगी, 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ, मैं भी एक महिला हूं, 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ एसएचओ की हिम्मत कैसे इस तरह की घटिया हरकत करने की? इस बात पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, दोषी किसी भी पद पर बैठा हो और दोषी दोषी होता है, जिसने अपराध किए वो बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी 5 साल की सरकार ने इस बात को देख दिया कि बाबा जी ने कानून और व्यवस्था के नाम पे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी को बख्शा नहीं, अपराधी चाहे कितनों से बड़ा हो वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाएगा या सलाखों के पीछे रहेगा। और मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ जनता जनार्दन के जुड़े हर सुख सुख में हमारी सरकार उनके साथ है, 5 साल हमारी सरकार रही और कोई भी दंगे नहीं हुए, और हमारी ये कांग्रेस और सपा और बसपा की सरकारों में 1000 से ज्यादा दंगे हुए, तो निस्संदेह मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आने वाले विगत कुछ सप्ताहों में महंगाई से निजात मिलेगी और जनता जनार्दन के हित के जो भी कार्य का है हमारी सरकार करेगी,
और आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में पुनः जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक बार तीसरी बार जो है देश में सरकार बनेगी और हम देश के डबल इंजन की सरकार देश के साथ हमेशा आज हमारा देश जो है बंधु जी सरकार बनेगी 2024 की बात अभी ना करें आप। सबसे पहला जवाब जो आज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो मेरा जवाब ये है कि प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना का क्या फायदा, सिलेंडर चूल्हे देने का क्या फायदा जब रसोई गैस के दाम हजार के पार हो गए, इसमें जनता जवाब चाहती है। बिल्कुल, अगर आप काम करेंगे जनता आपको मैंडेट देगी, जो काम करेगा जनता उसको मैंडेट देगी, इस पे आप जवाब दें। मुझे 30 सेकंड दें जी, बिल्कुल आप इस पे जवाब दें, कब सरकार बनेगी, क्या सरकार बनेगी, जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। देशबंधु जी उज्ज्वला योजना महिलाओं में, महिलाओं और स्त्रियों में कितना बड़ा बदलाव लाई सोचिए, ये धूर्त कांग्रेस की सरकार जो 60 वर्ष तक रही महिलाओं फेफड़े से जल जाती थी, लकड़ी का धुओं से उनको कितनी अनगिनत बीमारियां हो जाती जो जो, अगर देशबंधु जी जो महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती वो 1000 का सिलेंडर खरीद नहीं सकती है तो हमारी सरकार ने दिया, प्रकाश का काम दिया तो हमने दिया, आवाज दिया तो हमने दिया। ये हमसे प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही क्यों नहीं सबको चूल्हा मिला, दुर्भाग्यवश कांग्रेस के प्रवक्ता आज हमारे साथ नहीं है। रही बात गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए या 1000 रुपए पढ़े हैं, हमने कहा ना सरकार निरंतर उपाय कर रही, अगर हमने गैस दिया है और ईंधन दिया है तो और गैस ईंधन की भी व्यवस्था करेंगे, आवाज दिया है तो भाजपा सरकार ने दिया है, अगर लोगों की रोटी रोजी की व्यवस्था की है तो भाजपा सरकार ने की है, कांग्रेस सरकार ने केवल जो है भ्रामक बातें फैला कर। देशबंधु जी मैं उम्मीद करती हूँ कि महंगाई पे जल्द से जल्द कंट्रोल हो, देशबंधु जी समय की कमी है, देशबंधु जी समय की कमी है, 60 साल में ये देश की जनता को शौचालय नहीं दे पाए। हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता जनार्दन आपकी बात को सुने, हर घर योजना से हम पानी दे रहे हैं, आप बताइए पानी तक ये नहीं दे पाए 60 साल में, ये प्रश्न पूछेंगे। देखिए नाकामियां गिनवा, देखिए दूसरों की नाकामियां गिनवा के अपनी कमियां कोई ना छुपाए यहाँ पर। बिल्कुल देशबंधु जी, देशबंधु जी समय की कमी है और मैं आपसे फिर एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी महंगाई कम हो और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आपको इनवाइट करूँ। अंकुर सक्सेना जी एक फाइनल कॉमेंट 30 सेकंड्स का मैं आपके साथ चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय जिस हिसाब से अपनी खूबियां गिना रहे हैं तो इनका इनके बात को अगर हम एक शब्द में कहें तो इनका कहने का मतलब है कि हम लोगों क्या मतलब अदर एक सामान्य नागरिक क्या जब एक बच्चा जन्म लेता है तो घुटने चल के फिर वो खड़ा होता है टहलना और घूमना सीखता है और भारतीय जनता पार्टी क्या जो समर्थक होते हैं ना उनका जब बेटा होता है तो सीधे विकास की गति से दौड़ने लगता है, मतलब वो घुटनों पे नहीं चलता है, वो भाई भर तो जो आता है वो देवभूमि के तरीके से होता है और सीधे काम करते हैं। पिछले 60 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या अटल जी की सरकार को भी ये नकारा सरकार कह रहे हैं, मतलब जो ये मोदी युग से अटल युग की तुलना कर रहे हैं तो पिछले 60 साल में क्या अटल जी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। धन्य भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो अपने ही सरकार के किए गए कृत्यों की आलोचना कर रहे हैं, आपको कम से कम इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी भी सरकारें हुई चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो समाजवादी पार्टी की हो जनता दल की रही हो सारे लोगों ने कार्य किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत एक सशक्त और सर्वश्रेष्ठ भारत का मार्ग है। पर बड़े लोग ले जाते हैं हमारे लिए बताइए अपना पक्ष रखने का। जी 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 मैं मानता हूँ आपकी बात भैया, तो लेकिन इनको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज की डेट में जो भारत है वो 1947 से लेकर आज की समय तक सारे लोगों की मेहनत उसमें रही है, सारे लोगों का बलिदान रहा और उसी हिसाब से हम ये चाहेंगे कि 2024 में भी भारत चाहूंगी कि विपक्ष किस तरह से मेहनत करेगा इस महंगाई पर रोक के लिए। विपक्ष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों पर मुखर होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसके बाद महंगाई को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित उज्ज्वला योजना लूट थी इस लूट का भी खुलासा किया जाएगा, ये प्रायोजित है और जो फिलहाल गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये भी एक समीकरण के हिसाब से बढ़ रहे हैं, पहले गैस के दाम बढ़ते हैं फिर पेट्रोल डीजल का नंबर आता है, फिर कुछ दिन का गैप होता है फिर गैस का नंबर आता है फिर उसका पेट्रोल डीजल का। तो हम लोग फिलहाल उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए अपराध को लेकर
सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारा सबसे बड़ा प्रयास है उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से कैसे बचाया जाए। अभी कल एक पुलिस वाले ने महिला को इतना मारा कि उसके पेट मैम उसको अबॉर्शन कराना पड़ा, मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी करे तो करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस गलत है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। और आज महंगाई का हमारा चर्चा है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के भी जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करूंगी कि हमें अब दोबारा महंगाई पर चर्चा ना करना पड़े। विपक्ष से पूरी उम्मीद रखती हूँ कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाएगा और सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाएगा। आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जब मुद्दे की बात करने बैठो, महंगाई की बात करने बैठो और जिस तरह से दूसरी कमियां गिनाई जाती हैं, तेल की बात करने बैठो तो रूस यूक्रेन की कमियां गिनाई जाती हैं, इससे क्या जनता ये उम्मीद रख पाएगी कि महंगाई कम हो पाएगा? और जो महंगाई की मार है ये जनता कब तक सह पाएगी? फिलहाल आज की हमारी चर्चा को मैं यहीं पर रोकती हूँ। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।